हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल उत्कर्ष मैथ पॉइंट। दोस्तों, आज 28 सितंबर 2020 और आज के करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं। क्वेश्चन नंबर एक, हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया? इसके ऑप्शन 27 सितंबर, 25 सितंबर, 24 सितंबर, 26 सितंबर। दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन ए, 27 सितंबर। हाल ही में 27 सितंबर को विश्व में वर्ल्ड टूरिज्म डे, विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया। इस दिवस की शुरुआत वर्ष 1980 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संघ के द्वारा स्थिति के चुनाव का मुख्य कारण था कि वर्ष 1970 में UNWTO के कानून को स्वीकारा गया था। इसके उद्देश्य में दोस्तों विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नेशनल आइडेंटिफिकेशन स्कीम में फेशियल वेरिफिकेशन का इस्तेमाल कहां शुरू किया गया? इसके ऑप्शन है जापान, सिंगापुर, कनाडा, ब्राजील। दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन बी, सिंगापुर। हाल ही में नेशनल आइडेंटिटी स्कीम में फेशियल वेरिफिकेशन का इस्तेमाल करने वाला सिंगापुर विश्व का पहला देश बन गया है। बायोमेट्रिक जांच से देश के लोगों को प्राइवेट और सरकारी दोनों तरह की सुरक्षित सुविधा मिलेगी। यह वेरिफिकेशन की परीक्षण एक बैंक के साथ शुरू किया गया था, अब देश भर में रोल आउट कर दिया गया। वे सिंगापुर में किया है दोस्तों, नेशनल आइडेंटिफाई स्कीम में फेशियल वेरिफिकेशन सिंगापुर में किया है। सिंगापुर के बारे में देखते हैं, सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर नगर, यहाँ की मुद्रा है सिंगापुर डॉलर, और यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं सेलालपुर रामनाथन और प्रधानमंत्री हैं ली सियन लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस योजना के तहत 670 इलेक्ट्रिक बसों और 241 चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी दी? इसके ऑप्शन क्रमयोग योजना, उड़ान योजना, प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना, फेम इंडिया योजना। दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन डी, फेम इंडिया योजना। हाल ही में केंद्र सरकार ने फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण के तहत 670 इलेक्ट्रिक बसों, 241 चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी दी है। इस चरण के तहत महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और चंडीगढ़ के लिए 670 इलेक्ट्रिक बसों की मंजूरी दी है, जबकि मध्य प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, गुजरात और पोर्ट ब्लेयर के में 241 इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशनों का निर्माण शुरू करने की मंजूरी दी है। केंद्र सरकार द्वारा फेम इंडिया के तहत दोस्तों, फेम इंडिया योजना के तहत ये बसें और 200 इलेक्ट्रिक स्टेशन बनाए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सुनील सेठी को किसका सलाहकार नियुक्त किया गया? इसके ऑप्शन है पर्यटन उद्योग, कपड़ा उद्योग, खादी और ग्राम उद्योग, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन सी, खादी और ग्राम उद्योग का। हाल ही में सुनील सेठी को सलाहकार नियुक्त, डिजाइन और फैशन की विश्व की मशहूर हस्ती सुनील सेठी को खाद्य और ग्राम उद्योग आयोग ने सलाहकार नियुक्त किया गया। वे भारत और विदेशों में खादी के साथ साथ तैयार कपड़ों के क्षेत्र में नवीनतम डिजाइनों के बारे में आयोग को सलाह देंगे। उन्हें सुश्री रितु की जगह नियुक्त किया गया। उनका कार्यकाल 1 वर्ष का होगा, इनका 1 वर्ष का कार्यकाल होगा। इन्हें सुश्री रितु की जगह नियुक्त किया गया दोस्तों। अब खाद्य और ग्रामोद्योग की स्थापना हुई थी दोस्तों 1956 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में दोस्तों। ये MSME के तहत आता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में US की ग्लोबल MBA रैंकिंग 2011 में विश्व के टॉप 15 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में देश के कितने मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट को स्थान मिला है? इसके ऑप्शन 4, 5, 2, 6। दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन सी, 2। हाल ही में US की ग्लोबल MBA रैंकिंग 2021 में विश्व के टॉप 50 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में 2 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट IIM अहमदाबाद और IIM बेंगलुरु। दोस्तों, अहमदाबाद IIM और बेंगलुरु IIM बेंगलुरु को स्थान मिला। इस रैंकिंग में लिस्ट में IIM अहमदाबाद और को 31वीं रैंक, इसको 31वीं रैंक मिली थी, और IIM बेंगलुरु को 2 वर्षीय MBA कोर्स का 35वां स्थान मिला है दोस्तों, जबकि IIM कोलकाता को इस स्थान में 51वां रैंक मिला। कोलकाता को भी इसमें 51वां रैंक मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सीएट टायर के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? इसके ऑप्शन है सलमान खान, आमिर खान, आयुष्मान खुराना, सोनू सूद। दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन बी, आमिर खान। हाल ही में सीएट टायर RPG ग्रुप की कंपनी सीएट टायर्स ने बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। आमिर खान विभिन्न मीडिया मंचों पर कंपनी के प्रसार अभियान का हिस्सा बनेंगे। कंपनी सीएट टायर्स नियर मीनियो ने 2 साल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर 2 साल के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है दोस्तों आमिर खान को सीएट टायर ने दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने छात्रों के लिए यू राइज पोर्टल लॉन्च किया है? इसके ऑप्शन राजस्थान, बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश। दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने छात्रों के लिए यू राइज पोर्टल लॉन्च किया गया। इस पोर्टल से लगभग 20 लाख छात्र
व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा प्राप्त करें और तकनीकी विशेषज्ञों को लाभ होगा। इस पोर्टल पर उपलब्ध ई कंटेंट, ई लाइब्रेरी और ऑनलाइन पाठ्यक्रम राज्य के अधिकांश आंतरिक क्षेत्रों में भी छात्रों के लिए सुलभ होंगे। दोस्तों 20 लाख छात्रों को इसके तहत लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश ने किया है, तो उत्तर प्रदेश के बारे में देखते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। दोस्तों उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, जो कहा कि एमपी की भी उनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया। दोस्तों ODOP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना, दोस्तों ये फ्लिपकार्ट के साथ समझौता करके दोस्तों ये चलाई गई थी उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला हाथी अस्पताल मथुरा में खुला था। दोस्तों प्रवासी राहत मित्र ऐप शुरू किया गया था उत्तर प्रदेश। जियो टेक कम्युनिटी कदम की शुरुआत करने वाला राज्य बना था उत्तर प्रदेश। वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य बना था उत्तर प्रदेश। दोस्तों और मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार भी उत्तर प्रदेश सरकार ने दिए। कोविड की सबसे ज्यादा जांचें भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई। राजकीय पशु उत्तर प्रदेश का बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस, राजकीय वृक्ष अशोक, और उत्तर प्रदेश में कौन सा है, दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में। अब उत्तर प्रदेश को देखते हैं मैप में। यारा दोस्तों उत्तर प्रदेश मैप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जसवंत सिंह का निधन हुआ, वे कौन थे? इसके ऑप्शन है पूर्व रक्षा मंत्री, पूर्व गृह मंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, इनमें से कौन है? दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए, पूर्व रक्षा मंत्री। हाल ही में जसवंत सिंह का निधन हुआ है, वे भाजपा के पूर्व रक्षा मंत्री थे। दोस्तों उनका आज कार्डिक अरेस्ट की वजह से दोस्तों उनका निधन हो गया। 82 साल के थे दोस्तों इनको प्रधानमंत्री। अभी दोस्तों इनके मृत्यु पर बहुत से नेताओं ने, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, उन सभी ने दुख व्यक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में PDSA ने कंबोडिया में लैंड माइन ढूंढने के लिए काम में लगे एक अफ्रीकी चूहे मंगावा, दोस्तों का नाम क्या है, मंगावा को ब्रेविडी अवार्ड के तौर पर किस मेडल से सम्मानित किया लिया है? इसके ऑप्शन ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल, नोवेल मेडल। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी, गोल्ड मेडल। हाल ही में यूके की पीपुल्स डिस्पेंसरी फॉर सिक एनिमल्स PDSA ने हाल ही में कंबोडिया में लैंड माइन ढूंढने के काम में लगे एक अफ्रीकी चूहे मंगावा, उसका नाम क्या है, मंगावा को ब्रेवरी अवार्ड के तौर पर गोल्ड मेडल सम्मानित किया गया। मंगावा जो एक अफ्रीकन ज्वाइंट पाउच रैट है, जो सिर्फ 8 साल का है। दोस्तों 8 साल का है इसकी उम्र। इसको मंगावा 30 मिनट में एक टेनिस कोर्ट के बराबर इलाके में सेट कर सकता है। दोस्तों ये गोल्ड मेडल मिला है दोस्तों को इसकी ब्रेवरी के लिए, दोस्तों लैंड माइन ढूंढने में इसने सहायता की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में केबल स्टेड ब्रिज का उद्घाटन किया गया? इसके ऑप्शन कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी, तेलंगाना। हाल ही में तेलंगाना में दोस्तों 426 मीटर लंबे केबल स्टेड ब्रिज का उद्घाटन किया गया। दोस्तों तेलंगाना में क्या है, तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। यहाँ के राज्यपाल हैं तमिलसाई सौंदरराजन और यहाँ के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव। दोस्तों हाल ही में तेलंगाना में साइबर अभियान चला गया था दोस्तों तेलंगाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए ऋण प्रदान करने की घोषणा की? इसके ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, असम। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी, असम। हाल ही में असम ने दोस्तों पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए दोस्तों ऋण प्रदान करने की घोषणा की है। असम ने की है, तो असम के बारे में देखते हैं। असम की राजधानी है दिसपुर। यहाँ के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। हाल ही में असम में रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा शुरू हुआ था, धनवंतरी योजना शुरू की गई थी। भारत का एकमात्र गोल्डन बाग देखे गए थे असम में। सबसे लंबा नदी रोपवे ब्रह्मपुत्र नदी पे बन रहा है दोस्तों, सबसे लंबा नदी रोपवे ब्रह्मपुत्र नदी पे बन रहा है। स्वाति बिदन ब्रह असम की पहली ट्रांसजेंडर न्यायाधीश है दोस्तों। हिमा दास, जिसे आप डींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है, ये असम की स्पोर्ट्स एम्बेसडर है। प्रियंका चोपड़ा असम की टूरिज्म एम्बेसडर है। असम का राष्ट्रीय उद्यान एक सिंह वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। बिहू उत्सव दोस्तों ये असम का फेमस त्यौहार है, ये असम में मनाया जाता है नव वर्ष के दौरान। अब असम को देखते हैं मैप में। ये रहा दोस्तों असम मैप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ADB ने किस राज्य के माध्यमिक शहरों में जलापूर्ति और स्वच्छता के लिए $300 मिलियन दिए? इसके ऑप्शन राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान। हाल ही में ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दोस्तों राजस्थान को अभी $300 मिलियन दिए माध्यमिक शहरों में जलापूर्ति के लिए और स्वच्छता के लिए $300 मिलियन दिए। अब ADB दिए हैं, तो ADB कुल प्रोग्राम है एशियन डेवलपमेंट बैंक। दोस्तों इसका हेडक्वार्टर जकार्ता आशियन, इसका जकार्ता इंडोनेशिया में दोस्तों, और इसके वर्तमान में, और दोस्तों ADB
अभी एडीबी में दोस्तों हमारे देश के जो चुनाव आयुक्त पूर्व अशोक लवासा उपाध्यक्ष के बतौर पे चुने गए थे दोस्तों, ठीक है। अभी राजस्थान में गया है तो राजस्थान के बारे में देखते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री वर्तमान में अशोक गहलोत, यहाँ के राज्यपाल कलराज मिश्र दोस्तों, राजस्थान की राजधानी है जयपुर। राजस्थान में हाल ही में दोस्तों नो मास्क नो सर्विस नो मास्क नो एंट्री, ये राजस्थान के जोधपुर जोधपुर जिले में शुरू किया गया दोस्तों ये अभियान दोस्तों, क्योंकि दोस्तों कोरोना वायरस के केस ज्यादा बढ़ने के कारण नो मास्क यानी जो मास्क मिलेगा उसको नो सर्विस और नो एंट्री दोस्तों ये जोधपुर में किया गया दोस्तों, राजस्थान के शहर जोधपुर में दोस्तों। स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए गए थे राजस्थान में दोस्तों, स्वास्थ्य मित्र राजस्थान में नियुक्त किए गए, इससे रिलेटेड थे दोस्तों किसान मित्र। किसान मित्र दोस्तों ये कहाँ नियुक्त किए गए थे, ये हरियाणा में नियुक्त किए गए थे। और इसके साथ साथ आरोग्य मित्र, आरोग्य मित्र ये कहाँ नियुक्त किए गए दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में ये नियुक्त किए गए थे, ठीक है। इस्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म शुरू किया गया था राजस्थान में, प्योर फॉर श्योर दोस्तों डेयरी प्रोडक्ट की उच्च गुणवत्ता के लिए दोस्तों ये शुरू किया गया था। कामधेनु डेयरी योजना चलाई गई थी, इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की गई थी दोस्तों 20 अगस्त से इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना में दोस्तों जो निम्न तबके के लोग हैं दोस्तों, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं लोग हैं, उनको 8 रुपए में दोस्तों संपूर्ण भोजन की व्यवस्था करवाई जाएगी। सर इसका रणथंभौर और केवला देवपक शिवार दोस्तों ये राजस्थान में, और दोस्तों राजस्थान के जो परकोटा है दोस्तों उसको दोस्तों 2019 में हेरिटेज सूची में शामिल किया गया था। राजस्थान को मैप में देखते हैं, मेरा राजस्थान मैप। नेक्स्ट आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन, हाल ही में पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है। इसका ऑप्शन श्रीहरिकोटा पोखरण बालासोर इनमें से कौन दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन सी बालासोर। हाल ही में बालासोर में पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इसका आंसर को कमेंट बॉक्स में देना था दोस्तों। दोस्तों अपने क्वेश्चन आंसर मिला लीजिए किस किसने आंसर सही से किया होगा। और आज के लिए क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने गैर संचारी रोगों से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों में प्रदर्शन के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है। इसके ऑप्शन राजस्थान उत्तर प्रदेश ओडिशा केरल। दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर सही से दे पाते हैं। और दोस्तों साथ साथ में वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल उत्कर्ष मैथ पॉइंट में मिल जाती है दोस्तों, उसे सब्सक्राइब करें शेयर करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और कमेंट जरूर करें दोस्तों, और बेल आइकन जरूर दबाना आप ना भूलें दोस्तों, क्योंकि बेल आइकन दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, और ताकि आप और जिससे आप हमारी वीडियो कोई भी अपडेट जो हम यूट्यूब पे करते हैं दोस्तों उसको आप मिस ना कर पाएंगे दोस्तों, ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।